जब भी कुछ जरूरी देखना होता है तो तुम्हारे केबल का रोना पड़ जाता है। अरे महीना ना 200 रुपया पेट काटी ने निकाली ने आपू छू, लेकिन देखो जब भी कुछ देखना है तो तुम्हारा केबल गायब। अरे केबल वाला भाई जल्दी करो ने, अरे जो देखना है उसकी तो गाड़ी ही छूट जाएगी ना। अब थोड़ा शांत हो जाओ ने। हाँ ठीक है जल्दी करो। अरे भाभी जी, हमारे केबल में कोई गड़बड़ नहीं छे। तो ये जुओ। चू? अरे भाभी जी, जब केबल का छेड़ा ही टीवी से अलग निकाला हुआ है तो टीवी पे पिक्चर आएगी किधर से? छोटी कपड़ी का रास्ता ना छे। भाभी जी कहीं नहीं तुम्हें तुम्हारा काम करो, जल्दी टीवी चालू करो। करो छू। अरे जरा पकड़ो ने। हो भी गया। हाँ अभी टीवी ठीक हो गया। अरे पर पिक्चर कहाँ आ रही है? अरे टीवी तो चालू करो ने। सुंदरी साड़ी से सुंदरी बनारसी साड़ी, सुंदरी अरे फिर से आ भी गई, अरे आज आ भी गई साड़ी, साड़ी सुंदरी की बेस साड़ी पर एक साड़ी तत्तन फ्री। तो आज इस सुंदरी साड़ी सेंटर में पधारो अने आकर्षक ऑफर नो लाभ उठाओ। टीवी वाला भाई, टीवी में जो है और ये दोनों एक ही है ना? सुंदरी साड़ी सेल, सुंदरी नी बनारसी साड़ी, सुंदरी नी करछोड़ा साड़ी। हाँ वही है। हाँ जोयो, अब भाई भी बोले छे कि ये तू ही है। काश केवल यहाँ होता, इससे भी तेरी करतूतों के बारे में पता चल जाता। आकर्षक ऑफर नो लाभ उठाओ। मैं कह रही थी ना कि ये किंजल ही है, अपनी आंखों से देख ले, देख। अरे धवल जी, एक सेकंड। भैया अगर आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हैं। किंजल जी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? इस विज्ञापन में तो आप ही हैं, आपकी हम शक्ल नहीं। कम से कम आप मुझसे तो सच बोल सकती थी ना, मुझे तो बता सकती थी कि आपने विज्ञापन किया। मैं तो कहती हूँ मोदी भवन फोन घुमा और इसकी करतूतों के बारे में बता दे। किंजल जी, मैं तो फोन लगाऊंगी। किंजल जी दरवाजा खोले ना। किंजल जी मुझे एक बार आपसे बात करने के बाद दरवाजा खोले ना। किंजल जी, माँ को फोन करके बताने की क्या जरूरत थी? एक तो थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी, अब वो भी नहीं कर पाऊंगी। किंजल जी, आप मेरी बात तो सुनिए, कम से कम एक बार मुझसे बात कर लीजिए, सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार दरवाजा तो खोली किंजल जी। कहा ना, नहीं खोलूंगी, और अब मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी की नहीं। किंजल जी देखिए मेरी। तू इतना क्यों घबरा रहा है? हा? गलती तो इसकी ही है ना, बिना कुछ पूछे इतना कुछ कर डाला और उल्टा तुझे पे चिल्ला रही है। भैया गलती हो गई तो हो गई ना, अब कम से कम एक बार हमसे वो बात तो कर ले, अंदर बैठे है ना जाने। किंजल जी पहला तीज खबर आती, क्या मोटा घनी छोकरी हमारू नाक कटवाई ने रहे। अबे जो शू करियो ने, भाई शांत हो जाइए ना। अरे वो शू करवा, शांत थई जाओ। हाँ हमारे खानदान में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है।
अरे वो शुक्रवा चाहते जब पर मने किंजल जी सासु माई जय श्री कृष्ण सासु माई जय श्री कृष्ण। क्या बात है धवल जी, यूं अचानक फोन करके बुलाया? वो सासु मां आप अपनी दिकरी से ही पूछिए ना। किंजल 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 यहाँ आओ। क्या हुआ? बात क्या है माँ? वो उर्मिला बहन, मेरी बेटी किंजल से कोई भूल चूक हुई है क्या? भूल चूक? अरे इसने तो मोदी और शाह दोनों परिवारों के नाम पे काला धब्बा लगा दिया है। मॉडल बन के आई है, मॉडल। मॉडल मतलब मैं? अरे वही जो छोकरिया साड़ी पहन के पल्लू हिला के वो मटक मटक के चलती है और विज्ञापन में काम करती है ना, वो टीवी में दिखाते हैं, वही मॉडल। अरे वही करके आई है ये। मॉडलिंग? हाँ वही वही। कब से? अरे हमने नहीं खबर, हमने तो कल ही विज्ञापन देखा। अब आप ही कहिए वेवान जी, इसने सही किया या गलत? ये आपकी दिकरी मुझ पे तो फक्त इस बात पे गुस्सा है कि मैंने इसके मॉडलिंग करने पे गुस्सा किया। अबे तमेज बोलो वेवान जी कि वो शो करूं, बोलो ना वो शो करूं। किंजल क्या ये सच है? उर्मिला बेन जो कुछ भी कह रही है क्या वो सच है? सुंदरी साड़ी में, ये तो वही विज्ञापन है। सुंदरी की खजुरा साड़ी, सुंदरी की लहरिया साड़ी, सुंदरी की लिली साड़ी, सुंदरी की बेस साड़ी पर एक साड़ी दंतन थी। आज इस सुंदरी साड़ी सेंटर में पधारो और आकर्षक ऑफर को लाभ उठाओ।